दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अथॉरिटी में सैलरी एंड पर्क्स फैसिलिटीज़ क्या मिलती है। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी हम एक वीडियो बना रखे हैं। इस वीडियो को आप विजिट ज़रूर करें, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो आइए देखते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे लोकप्रिय एसएससी सीजीएल पदों में से एक है, जो असाधारण शानदार कैरियर ग्रोथ, सामाजिक स्थिति और अच्छे जॉब के साथ संयुक्त स्नातक स्तर की भर्ती प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी में ग्रुप सी की पोस्ट है। सीबीडीटी देश में कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में काम करता है। डायरेक्ट टैक्सेस को इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स आदि के रूप में समझ सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में काम करने के लिए चुने जाते हैं तो आप निश्चित रूप से काम के माहौल को पसंद करेंगे। पर्क्स प्रमोशन इस देश के सबसे पसंदीदा जॉब में से एक है। अब बात करें ट्रेनिंग की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग तो सिलेक्शन के बाद 12 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि DTRTI के तहत कराई जाती है। इस ट्रेनिंग में ट्रेनर डिफरेंट टैक्स लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करें सैलरी पे स्केल, पर्क्स एंड अलाउंस की, तो सैलरी एंड पर्क्स फैसिलिटीज किसी भी नौकरी में से एसएससी सीजीएल किसी भी निजी और सरकारी नौकरियां की तुलना में अधिक सैलरी पर्क्स दिया जाता है। पे स्केल की बात कर ले तो ये रैंक वाइज और अथॉरिटी के हिसाब से ये पे स्केल बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे हमने डाल रखा है। पे स्टार्टिंग होती है 13,900 टोटल है इसका पे स्केल का। पे स्केल इनिशिएशन है 9,300 टू 34,800, ग्रेड पे 4,600, इनिशिएशन पे 9,300 और टोटल पे 13,900। इस जॉब में फिक्स्ड पे के अनुसार बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि DA डियरेंस अलाउंस, टोटल पे SC लगभग 107% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस और मोबाइल बिल। सातवें वेतन के अनुसार शुरुआत में 40,000 पर मंथ मिलते हैं और ये पोस्टिंग लोकेशन के अनुसार बदलते रहते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इंडिया के पैन के बेसिस पे काम करते हैं। अब बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैरियर ग्रोथ और प्रमोशंस की। एक बार जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत रखे जाते हैं तो आप स्टेबल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड हाईली रेपुटेटिव जॉब में से एक है। इनके रैंकिंग बता दे तो, फर्स्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ IT। ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ IT ये हेड होता है। ये रहे रैंक, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ से आपको रैंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PSKL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पेमेंट की। अब बात कर लेते हैं लास्टली ट्रांसफ़र प्रोसीड्यूर की। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो क्या एलिजिबल होना चाहिए और कैसे मिलता है। ट्रांसफ़र दो तरह के होते हैं, पहला एनुअल जनरल ट्रांसफ़र, दूसरा इंटर चार्ज ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र सिर्फ कुछ कंडीशंस के लिए हैं। फर्स्ट, SSC CGL वैकेंसी जोन में अवेलेबल होना चाहिए जहां आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। सेकेंड, आपके पास वैलिड प्लॉट यानी ज़मीन होना चाहिए।
या CBDT के अकॉर्डिंग आप 3 साल तक काम किए हो सकते हैं और ये ट्रांसफ़र अधिक समय तक आपको नहीं मिल सकता है जहां स्टेबल लाइफ का एंजॉय कर सकें। दोस्तों ये था छोटी सी जानकारी और इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने इसकी होल वीडियोस पूरी जानकारी हमने एक वीडियो में बनाया है, आप एक बार विजिट करें, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।